हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जबरदस्ती नवाबी चिकन बोटी बनाने की रेसिपी, जो कि एक नई स्टार्टर रेसिपी है। आप लोग भी इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लजीज, डिलीशियस, बहुत ही नवाबी किस्म की क्विक बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना सीख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल इंडियन दरबार किचन को सब्सक्राइब कर लें। पहले मैंने यहाँ पर लिया है चिकन 500 ग्राम्स बोनलेस ब्रेस्ट का चिकन मैंने लिया है। इस तरीके से क्यूब्स में मैंने यहाँ पर कट कर लिया है सारे चिकन को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून उतना जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन चिली, जिसको अच्छे से मैंने क्रश करके यहाँ पर ऐड किया है। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। हाफ अ लेमन का जूस मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, सारा फुल हाफ लेमन का जूस हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून उतना व्हाइट पेपर पाउडर मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास व्हाइट पेपर ना हो तो स्किप भी कर। ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून उतना सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसी में जाएगा 1 एग। सारी चीजों को अच्छे से बाइंडिंग देने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून उतना मैदा, 1 टेबलस्पून उतना कॉर्नफ्लावर। इन सारी चीजों को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे, ताकि यहाँ पर मैदा और कॉर्नफ्लावर बढ़िया सा बाइंडिंग एजेंट जैसा काम करता है। इसी में मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून उतना हरा धनिया फाइन चॉप किया। इन सारी चीजों को अच्छे से यहाँ पर हम कंबाइन कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बाइंडिंग में थोड़ी सी कमी है और थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून मैदा या कॉर्नफ्लावर, अल्टरनेटिवली किसी भी चीज को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। चलिए, अच्छे से मैंने इन सारी चीजों को मिक्स कर लिया है। बस हल्के से 10 मिनट्स का रेस्ट दे देंगे चिकन के मिक्सचर को। चलिए, 10 मिनट्स के लिए चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, इसको कर लेंगे फ्राई। चलिए, नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर ऑयल को अच्छे से हीट अप कर लिया है। ऑयल जैसे ही मीडियम हीट पर अच्छे से इस तरीके से छो तो भाप आनी चाहिए। इतना ऑयल हीट हो चुका है। जो चिकन हमने कोट किया हुआ था, बस उसको इस तरीके से कोटिंग के साथ उठाएंगे और लिफ्ट करते हुए 1 बाय 1 पीसेस को ऐड कर देंगे। इसे कोट करना है और डाल देना है। अभी इस स्टेज पे जो बन रहा है बहुत ही टेस्टी और यमी बनकर तैयार होता है। अभी इस स्टेज पर जो चिकन का पकौड़ा बन रहा है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है। ये व्हाइट पकौड़ा बनकर तैयार होता है। फ्लेवर्स ढेर सारे होते हैं इसमें, बहुत ही टेस्टी और यमी बनकर तैयार होता है। चाहो तो बस इसी स्टेज तक फ्राई करके भी रख सकते हो। जो सेकेंड हाफ में आगे बताने वाली हूँ, उस तरीके से सॉस में डिप करके बनाना हो तो उस तरीके से भी बनाकर एंजॉय कर सकते हो। इसे मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसे फ्राई करते हुए। जैसे हम पकौड़ों को उलटते पुलटते फ्राई नहीं करते, बिल्कुल उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इस चीज का ध्यान रखें, जिस तरीके से हम पकौड़ा बनाते हैं सेम तरीके की रेसिपी है। ये एकदम अलग और यूनिक टेस्ट और फ्लेवर्स के साथ बनकर तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। मेरे कहने पर एक दफा ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए, बढ़िया तरीके से गोल्डन होने तक, अच्छे से सुनहरा कलर आने तक हमने यहाँ पर चिकन के पकौड़ा को फ्राई कर लिया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हमें इसे फ्राई करते हुए। सारे पकौड़ा को बस इस तरीके से रिमूव कर लूंगी। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। टेस्ट में फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ ना, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। और ना इसे मैरिनेट करके ढेरों घंटे वेट करने की जरूरत है। मेहमान आए हो, झटपट बनने वाला स्टार्टर है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया खूबसूरत कलर आ चुका है सारे पकौड़ों पर। ऐसे ही हम सारे फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, सेकंड बैच भी मैं कुछ इसी तरीके से फ्राई कर लूंगी। मेक श्योर कीजिएगा कि ऑयल अच्छे से हीट अप हो। तो यहाँ पर मैं सारे चिकन के पीसेस यहाँ पर उसी तरीके से ऐड कर दूंगी। मैंने चिकन को यहाँ पर 2 बैचेस में फ्राई किया है। चलिए, सारे चिकन को ऐड करने के बाद फिर से फ्लेम को हाई कर दिया। अच्छे से हाई टेम्परेचर पर चिकन को कुक करेंगे तो चिकन क्रिस्पी भी रहेगा। अगर लो टेम्परेचर पर आपने चिकन को कुक किया तो चिकन सॉगी हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर सेकेंड बैच के पकोड़े भी अच्छे से चिकन के पक चुके हैं। इन सारों को मैं यहाँ पर रिमूव कर लूंगी। आप चाहो तो सिर्फ इसी स्टेज तक फ्राई करके आप ऐसे ही इसे एंजॉय कर सकते हो, वरना जो आगे का सॉस का प्रोसेस मैं बता रही हूँ उसके साथ भी आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरे रिकमेंडेशन पर एक दफा ट्राई जरूर करके देखिएगा इन चिकन पकौड़ास को। बहुत ही टेस्टी, फ्लेवरफुल और बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, इसे साइड कर ले। देख सकते हो सारे चिकन पकौड़ास को मैंने फ्राई करके रिमूव कर लिया है। आप चाहो इसी स्टेज तक रखकर किसी भी डिप के साथ एंजॉय कर सकते हो, वरना देख लीजिए आगे का स्टेप। मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, इसमें ऐड कर दूंगी बटर। यहाँ पर बहुत ही चीजी और क्रीमी किस्म का सॉस बनकर तैयार होगा। इसे बटर को हल्के से यहाँ पर मेल्ट कर लेंगे। चलिए बटर यहाँ पर हल्के से मेल्ट हो चुका है। इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून उतना फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक। बटर और गार्लिक का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही बढ़िया होता है, एकदम बिल्कुल वो मैच मेड इन हेवन जैसा टेस्ट आपको आएगा। इस तरीके की सॉस आपकी चिकन की बनकर तैयार होगी। यहाँ पर हमें गार्लिक को ब्राउन नहीं करना है, हल्के से बस 30 सेकेंड्स के लिए बटर के साथ सॉटे कर लेंगे ताकि बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए बटर के अंदर गार्लिक का भी। तो चलिए बढ़िया सा गार्लिक का फ्लेवर वो अरोमा आ चुका है बटर के अंदर। इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगी 1/2 कप उतना फ्रेश क्रीम से ही सॉस बनकर तैयार होती है, एकदम रिच और क्रीमी बनकर तैयार होती है। तो जैसे ही हमने क्रीम को यहाँ पर ऐड किया, फ्लेम को लो की तरफ टर्न कर लिया। अच्छे से मैं क्रीम को यहाँ पर मिक्स कर लूँगी बटर के साथ। बहुत ही क्रीमी सॉस बनकर तैयार होती है ये क्रीमी सॉस के साथ क्रिस्पी क्रंची पकौड़ा बहुत ही टेस्टी और यमी लगेगा आप लोगों को। यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी 1 लार्ज टेबलस्पून ऑफ मायोनीज। मायोनीज में भी अपना ही अलग सा एक फ्लेवर होता है, उसको भी ऐड करके अच्छे से लम्स नहीं होने चाहिए, उस तरीके से हम क्रीम के साथ मायोनीज को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे ताकि बहुत ही बढ़िया सा और क्रीमी टेस्टी टेक्सचर एकदम डिलीशियस सा ग्रेवी बनकर हमारी चीज़ें तैयार होगी। मेक श्योर कीजिएगा कोई भी लम्स ना हो। मायोनीज और क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कंप्लीट लो फ्लेम पर रखकर मैं सारी प्रोसेस कर रही हूँ इसका। यहाँ पर अच्छे से मैं यहाँ पर मिक्स कर लिया। आप देख सकते हो कहीं पर भी लम्स नहीं है। इसी के साथ सॉल्ट ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून उतना। इसी के साथ इसकी फ्लेवर को और थोड़ा एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून उतना व्हाइट पेपर पाउडर मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अगर आपके पास व्हाइट पेपर ना हो तो कुटी हुई काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो, उस फ्लेवर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वो भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से यहाँ पर सॉस थिकन होना स्टार्ट हो चुका है, बढ़िया सा खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी 1/4 कप उतना पानी। अच्छा सा बॉईल आने तक हम यहाँ पर इसको कुक कर लेंगे। आप देख सकते हो लगातार मैं यहाँ पर चलाते हुए चम्मच को मिक्स कर रही हूँ ताकि लम्स ना बने, एकदम क्रीमी वाला वो टेक्सचर रहे हमारे इस चीज़ी क्रीमी सॉस का। तो चलिए जैसे ही यहाँ पर कुक हो रहा है मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून उतना बटर। बटर से बढ़िया सी क्रीमीनेस आ जाएगी। इसी स्टेज पर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कुक करते हुए थोड़ा सा चीज़। आप चाहो तो प्रोसेस चीज़ ऐड कर सकते हो, मोज़रेला चीज़ या शेडार चीज़ और मोज़रेला चीज़ का कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हो। अगर आपको चीज़ पसंद ना हो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर बस 1/3 कप उतना चीज़ ऐड कर रही हूँ, मोज़रेला चीज़। इससे बहुत ही बढ़िया रिचनेस आ जाएगी हमारी ग्रेवी में। तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पर चीज़ को ऐड किया है बटर के साथ। मैंने नमक बहुत हल्के से थोड़ा सा डाला था, 1/2 टीस्पून उतना, क्योंकि ऑलरेडी बटर में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है, चीज़ में भी थोड़ा सॉल्ट होता है। तो इसीलिए जब आप सॉल्ट ऐड करें तो ध्यान से ऐड कीजिएगा। अगर आप चीज़ और बटर ज़्यादा करके ऐड कर रहे हो, आप देख सकते हो हल्के से चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। बढ़िया तरीके से चीज़ ही यहाँ पर हमारी सॉस बनकर तैयार हो रही है। बस अनदर 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। देख सकते हो आप यहाँ पर हल्के से मैंने टेम्परेचर फ्लेम को हाई की तरफ कर दिया है। हल्का सा बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो इसी तरीके का रोलिंग बॉईल आना जाना चाहिए हमारे सॉस में। इसी में हमारी सॉस अच्छे से कुक हो जाएगी। आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से रोलिंग बॉईल आ चुका है हमारे सॉस के। देंगे जो फ्राई किया हुआ चिकन पकौड़ा हमने रखा हुआ था, आप देख सकते हो कितना क्रंची और क्रिस्पी है। इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे और सारे सॉस के साथ हम चिकन को यहाँ पर कोट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स। चिकन पकौड़े में भी अपना एक फ्लेवर है। यहाँ पर सॉस के साथ अच्छे से मैं सारे चिकन को कोट कर लूँगी। बहुत ही चीज़ी क्रीमी क्रिस्पी हमारा चिकन पकौड़ा बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। आप चाहो तो ड्राई रख लीजिएगा चिकन को। फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया था उसी पर स्टॉप कर दीजिए। अगर आपको ग्रेवी बनानी हो तो ग्रेवी इस तरीके से चीज़ी सा बनाकर ऐड कर सकते हो चिकन को। सारे चिकन को मैंने यहाँ पर अच्छे से कर लिया है कोट। यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी ऊपर से ढेर सारा हरा धनिया। फाइन गार्निशिंग हो चुकी है हमारी, देख सकते हो। एकदम हरा धनिया डालने के बाद एकदम नवाबी हमारी चिकन बोटी कम्प्लीटली बनकर तैयार है। तो चलिए इसे सर्व कर लें। सर्व कर लूंगी हमारा चीजी गार्लिक चिकन को। ये हल्के से जैसे ही ठंडा होगा थोड़ा स्टिकी भी हो जाएगा, इसलिए मैंने बस हल्के से यहाँ पर चीज को ऐड किया है। गर्मा गर्म हम इस तरीके से यहाँ पर हमारे चीजी गार्लिक पकोड़ा को यहाँ पर सर्व कर लेंगे। देख सकते हो बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पर सर्व कर लिया है नवाबी क्रिस्पी पकोड़ा चिकन को। आप देख सकते हो यहाँ पर हल्के से मैंने यहाँ पर गार्निश कर लिया है हरे धनिये से। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बहुत ही चीजी सॉस के साथ जरूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन हिट करना ना भूलिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर लें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हो अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इस रेसिपी को कीजिए एंजॉय। अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।